हेलो एवरीवन, मैं हूँ विचित्रा एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छी होम रेमेडी। जब हम अच्छे दिखते हैं तो खुद में अच्छा फील होता है, हमारा जो कॉन्फिडेंट है वो भी बिल्डअप होता है। तो हम अपने 24 घंटे के टाइम से थोड़ा सा अगर हाफ एन आवर खुद के लिए निकाल लेना तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है हमारे हेल्थ के लिए और हमारे स्किन के लिए भी। तो आज जो मैं होम रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ये सिंपल के साथ साथ इतना इफ़ेक्टिव होम रेमेडी है, इसे मैं इस्तेमाल करती हूँ और ये बहुत ही अच्छा होम रेमेडी है। इस पैक को अप्लाई करने के बाद आपका जो स्किन है वो इवन टोन हो जाएगा, दाग धब्बे दूर होंगे और एक बहुत ही अच्छा सा क्या बताऊँ, ये एक बॉडी वाइटनिंग पैक है। आपको फेशियल कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं गारंटी बोल रही हूँ। इतने बड़े सोशल मीडिया पे मैं ये गारंटी बोल रही हूँ, 100% मैं गारंटी दे रही हूँ कि अगर आप इस पैक को अगर आप लगाते हैं ना हर ऑल्टरनेट डेज पे अगर आप लगा लेते हैं तो आपको फेशियल कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे अगर आप लगाते हैं तो स्किन इतना ग्लोइंग होगा, स्किन के दाग धब्बे दूर हो जाएंगे, स्किन पे एक नेचुरल ग्लो आएगा जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ साथ एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक इवन टोन होना चेहरा, चाहे आप डस्की टोन के हो या फिर फेयर स्किन के हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो गोरे होते हैं वही सुंदर दिखते हैं, बिल्कुल भी नहीं। चाहे आप डस्की स्किन टोन के हो या फिर फेयर हो, इवन स्किन टोन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चेहरे पे ग्लो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चेहरा ब्राइट जो कहते हैं ना, क्रिस्टल क्लियर ब्राइट चेहरा अगर साफ हो, क्लीन हो, ग्लोइंग होना, तो चाहे वो कोई भी स्किन टोन हो वो अच्छा लगता है। चाहे आप कितने भी फेयर हो और आपके चेहरे पे वो ग्लो नहीं है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो चेहरा है वो ग्लोइंग होना चाहिए, इवन टोन होना चाहिए स्किन का। इस मास्क को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है कच्चा दूध। मिल्क में बहुत सारे अमेजिंग बेनिफिट्स होते हैं, ये स्किन के सेल्स को रिपेयर करने में मदद करता है। साथ ही में मैंने ऐड किया है यहाँ पे 1 चम्मच चावल का आटा। चावल का आटा भी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, स्किन को एक्सफोलिएट करने में मदद करता है। और 1 चम्मच मसूर दाल का पाउडर। मसूर दाल का पाउडर चेहरे के रंगत को निखारने में मदद करता है, दाग धब्बों को दूर करने में मदद करता है। और यहाँ पे 1/2 टीस्पून चंदन पाउडर, सैंडलवुड पाउडर। और ये जो मैं फेस मास्क बना रही हूँ ये ऑल स्किन टाइप के लिए है, तो इसे आप हर ऑल्टरनेट डेज पे अपने चेहरे पे लगाएं। और साथ ही में मैंने ऐड किया है लिक्वराइज पाउडर, मुलेठी का पाउडर। मुलेठी का पाउडर भी बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए, जिन्हें हाइपर पिगमेंटेशन है, छाइयां जो बोलते हैं, दाग धब्बे उससे भी दूर करने में मदद करता है, इंस्टेंट ग्लो लेकर आता है। और यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ हल्दी, ये मैं वाइल्ड टर्मरिक यूज़ कर रही हूँ, कस्तूरी हल्दी। कस्तूरी हल्दी स्किन के लिए अच्छा होता है, आप किचन वाला हल्दी प्लीज़ ना यूज़ करें, कस्तूरी हल्दी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा मैं ये ले रही हूँ कस्तूरी हल्दी, इसे अच्छे से मिक्स करें और अपने फेस पे अप्लाई करें। लेकिन इसे ऐसे थोड़ी ना अप्लाई करेंगे, अभी तो मैंने मेकअप अप्लाई किया है, तो इसे मैं मेकअप को वॉश करके क्लीन करके, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कोई भी फेस पैक जो आप अपनी फेस पे अप्लाई कर रहे हैं वो क्लीन फेस पे अप्लाई करें, तभी उसका इफ़ेक्ट होगा। तो इस फेस मास्क को मैं लगा रही हूँ ब्रश से, आप चाहे तो अपने हाथों से भी लगा सकते हैं। हमेशा कोई भी अगर आप फेस पैक या मास्क लगा रहे हैं तो अपवर्ड डायरेक्शन में लगाइए फेस के, इसे लगा के अच्छे से रिलैक्स करें, सूखने तक का वेट करें, उसके बाद चेहरे को अच्छे से स्क्रब करके आप इसे हटा लें और मॉइस्चराइज़र लगा लें। अप्लाई कर सकते हैं, मैं अभी नहीं अप्लाई कर रही हूँ, अदरवाइज आप हाथ पैर पर भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसे अगर आप वर्किंग हैं, अगर आपको रेगुलर बाहर निकलना पड़ता है तो इसे आप रात में अप्लाई करें, रात में सोने से पहले इसे अप्लाई करें।
मैं सूखने का वेट करूंगी, उसके बाद अपने फेस को क्लीन करूंगी पानी से, और कोई अच्छा सा जो भी आपको सूट करता हो मॉइस्चराइज़र अपने फेस पे अप्लाई कर लें। मैंने फेस को वॉश किया है और काफ़ी फ्रेश लग रहा है, अच्छा लग रहा है, और इसे मैं हर अल्टरनेट डेज पे लगाती हूँ। अगर आप इसे लगाते हैं ना, तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपको पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चेहरा इतना क्लीन हो जाएगा, इतना खुद पे अच्छा फील होगा। इस पैक को ज़रूर ट्राई करिएगा, और हाँ, ट्राई करके मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आप सबको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर स्किन केयर, हेयर केयर के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो इसके लिए भी मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं ज़रूर बनाऊंगी।